वाकिफ़ हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AS सर्विस पॉइंट। दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को दबा ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं कुछ ग्राम रक्षा दल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें ग्राम रक्षा दल के बारे में, कुछ ग्राम रक्षा दल के बारे में सच्चाई बयां की गई इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को मेहता हुआ धमरा उत्तर का रहने वाला हूँ मैं। आज हमारे मुखिया जी और सरपंच साहब के कहना हुआ कि जो इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं, हम चिट्ठी दिखाने का कोशिश किए, बोले हम कोई चिट्ठी नहीं देखना चाहते हैं, ये तुम लोग जितना भी हो सब समाज में एक लूटने का काम कर रहे हो, हम इस चीज़ को नहीं मानते। जब तक हम नहीं करेंगे अपना आम सभा बुलाकर तब तक इसका मान नहीं होगा। उस पर आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले आप जो अपना नाम बताए अनिल कुमार, अनिल कुमार जी, सबसे पहले मैं उस मुखिया जी से बात करना चाहूँगा, उस मुखिया जी की बात के बात करना चाहूँगा। मुखिया जी को शायद मालूम नहीं है, ठीक ना, ये महासंघ के थ्रू मेंबर बनाने का काम किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है उनको पता नहीं है। उनको भी सम्मिलित किया गया है, 3/2/2015 जो कोर्ट का आदेश आया है उसमें उसको भी सम्मिलित किया गया है। 15/12/2015 जो सूचना संख्या 10080 लेटर प्राप्त हुआ है उसमें 10,000 प्रतिनिधि भेजा गया हर विभाग को। आपकी चिट्ठी में अवगत होते हैं, आपका चिट्ठी जाके चेक कीजिए और उस मुखिया साहब से सरपंच जी से बात कीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि हमको आएगा वो कब आएगा, जब सरकार बहाली निकालेगी तब आएगा। अभी महासंघ के थ्रू पंजीकृत किया जा रहा है और जो पंजीकृत क्यों किया जा रहा है 2001 से नहीं, इसका गठन हो चुका है 70-71 वर्ष पहले, 1947 में गठन हुआ है। 1947 में गठन होने के बाद सरपंच साहब हो या मुखिया जी हो या थाना प्रभारी हो, किसी के थ्रू तो वो कार्ड बनवाया होगा, तो कार्ड बना लिया, ड्यूटी किया, ड्यूटी करते 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 ऐसा कोई नेता मिला उनको, क्योंकि रास्ता दिखाने का काम नहीं किया, रास्ता हटाने का काम किया। अगर सीधा रास्ता जा रहा है तो आपको हटा के बगल कर देगा, ठीक ना, अगर यदि सही रास्ता आप चले जाइएगा तो सच्चाई जान जाइएगा। महासंघ 10 सूत्री पे जो अपील किया था 1997 में, सबसे पहले है कि आप पंजीयन करवा लीजिए, पंजीयन जब तक नहीं करवाते हैं आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, मुखिया और सरपंच साहब को उस वक्त लेटर आएगा, ये हम और आप नहीं जान रहे हैं, ये सरकार का मंत्री लोग जानते हैं कि जब बहाली निकलेगा तो मुखिया जी को आएगा या सरपंच साहब को आएगा, BDO साहब को आएगा, ठीक ना। और कुछ है तो बोलिए, और कोई जानकारी लेना है जी, और कोई व्यक्ति जो दौड़ पड़ताल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसे से आइए। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नैयर आलम है, मैं रोहटा पंचायत का अध्यक्ष हूँ। प्रखंड अध्यक्ष हैं? नहीं, पंचायत अध्यक्ष। पंचायत अध्यक्ष हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि 20 तारीख में जो हम लोग आवेदन दिए, हमारे सामने DM को, SP को, हर जगह जो आवेदन दिया गया तो उसका अब तक कोई खबर नहीं मिला, और वो जिस कारण के लिए दिए वो भी ना रुक पाया। आखिर इसमें क्या कारण था कि नहीं रुक पाया? बताइए। नैयर जी का कहना है कि 20 तारीख को जो जिसके द्वारा, नाम नहीं बता रहे हैं किसके द्वारा हुआ था, हमें भी पता चला कि राजेश कुमार वर्मा जी के द्वारा जिला सम्मेलन करवाया गया था, ठीक ना जी। जिला सम्मेलन करवाने से 4 दिन पहले हमको सूचना मिला कि जिला सम्मेलन हो रहा है। जैसे सूचना मिला 20 तारीख को सूचना मिला और 20 तारीख को हम DM साहब से मिलने का काम किए और आवेदन भी सौंपने का काम किए। इतना ही नहीं कि केवल DM साहब से ही मिले, SP साहब से ही मिल के, और जो है वहाँ का लोकल थाना अध्यक्ष से भी मिले, वहाँ का लोकल जो है SDO साहब से भी मिले। मिलने के बाद हर आदमी को अपना आवेदन सौंपे, और ये हम मांग रखे थे कि
71-83-1972 जो सर रजिस्ट्रेशन दिखाया जा रहा है, हमें उसका प्रमाण पत्र दिखाया जाए। और वो जिला का अध्यक्ष कह रहा है, तो अपना जिला का अध्यक्ष का प्रमाण दिखाया दे कि कहाँ से वो जिला अध्यक्ष बने हैं, सरकार से बने हैं या महासंघ के थ्रू बने हैं या आम जनता किसी ने चुना है उसको, वो अपना प्रमाण दिखाए। तो हम मांग किए, डीएम साहब इस पर चुप्पी ला दी हुई है, जब तक फिर उनसे मिलने हम नहीं जाएंगे, वो क्या कार्रवाई किए इस पर हमको पता नहीं है। ठीक है, और कुछ है तो बोलिए। यानी डीएम साहब से मिलने के बाद इसकी बात की जानकारी मिला।